खबर कोटा से है, जहां चंदेसल इलाके में यूआईटी की ओर से मकानों को तोड़ने की चेतावनी देने के बाद स्थानीय लोगों ने यूआईटी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भाजपा देहात अध्यक्ष मुकुट नागर भी पहुंचे और आक्रोशित लोगों के साथ यूआईटी के मेन गेट पर धरना दे दिया। लेकिन लोगों के बीच में अपनी अहमियत समझने की खुशी में नेताजी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना भूल गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नेताजी के आसपास लोगों की भीड़ लगी है। मीडिया के पहुंचने के बाद भी नेताजी को सोशल डिस्टेंसिंग का होश तक नहीं रहा। ऐसे में मीडिया ने नेताजी को सोशल डिस्टेंसिंग का आईना दिखाने का कार्य किया। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी मांग मंगवाने का पूरा अधिकार है, मगर हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, मगर नेताजी को करनी है यहाँ पर नेतागिरी। सामने बैठे हुए हैं कोटा देहात के जिला अध्यक्ष मुकुट नागर। अपनी मांग को मंगवाने के लिए कोटा यूआईटी पहुंचे हैं और यूआईटी पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुकुट नागर से सीधी बात करेंगे, क्या मामला है ये और किस मामले को लेकर इतनी आपदा आ गई कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हो? देखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखे हुए हैं, सबने मास्क बांध रखे हैं, लोगों के सिर पर से छत खिसकने का मामला आ रहा है। यूआईटी वाले 3 दिन पहले गए हैं और मकानों को चिन्हित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मकान खाली करो, ये मकान तोड़े जाएंगे। जब 50 साल से आदमी रह रहा है और उसके सिर से मकान का छत खिसक रही है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग में जिएगा या फिर अपने काम करेगा, क्या करेगा कैसे? इसलिए मजबूरन मैंने आज तक 3 महीने में 5 जनों से ज्यादा, 4 जनों से ज्यादा कभी किसी कलेक्टर साहब को या किसी को भी ज्ञापन देने नहीं गया। लेकिन ये यूआईटी अपनी मनमानी करने के कारण ये लोग आज मेरे साथ यहाँ आए और इनके साथ आके मैं बैठा हूँ। ये जो सरकार जो यूआईटी कर रही है, गलत कर रही है। लोगों के मकान तोड़ने की सूचना नोटिस देकर और उनको जबरदस्ती उनके मकान तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्ञापन देने अकेले भी आया जा सकता था, 2 आदमी पहुंच सकते थे, मगर यूआईटी के बाहर इस तरह से जमावड़ा लगाकर बैठ जाए। पहले हमारे एमएलए साहब को 4 दिन पहले ज्ञापन दे दिया गया और उन्होंने यहाँ इनको भिजवा दिया गया है, ज्ञापन इनके पास आ गया है, उन्होंने फोन भी कर दिया गया है, उसके बाद भी बस्ती को जाकर चिन्हित कर रहे हैं। ऐसे में इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जब एमएलए को ज्ञापन दे चुके हैं, एमएलए ने फोन कर दिया इनको, उसके बाद भी ये अगर नहीं मान रहे तो फिर बताओ आपके चारा है। नेताजी को मीडिया ने अवगत कराया सोशल डिस्टेंसिंग, तो नेताजी को भी याद आ गई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मगर देख सकते हो यहाँ पर किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही है। मगर सवाल ये उठता है कि नेता को अपनी नेतागिरी चमकानी है, कोरोना से कोई कितने ही संक्रमित हो, ये नेता यहाँ पर कोरोना को बांटने के लिए पहुंचे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा।